जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जैसे बड़े आत्मघाती हमले की एक और साजिश को नाकाम किया है। सेना ने पुलवामा के अयन गुंड इलाके से आईईडी से लैस सेंट्रो कार बरामद की, जिसे बाद में बम निष्क्रिय दस्ते ने सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। आईजीपी कश्मीर रेंज विजय कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से इस कार के बारे में जानकारी मिली। यह भी पता चला कि आतंकियों द्वारा आईडी लगाकर तैयार की गई यह कार सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल की जानी है। आईजी ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस, सेना, आरसीआरपीएफ के संयुक्त दल ने आयन गुंड इलाके में नाकाबंदी की। आतंकी जब ये कार लेकर गुजरने लगे तो वे सुरक्षा बलों का नाका देकर घबरा गए। सुरक्षा बलों को शक हुआ, उन्होंने कार सवारों को वहीं रुकने का इशारा किया। सुरक्षा बल जब पोजीशन लेते हुए कार की तरफ बढ़ने लगे तो कार में बैठे आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाब में गोलियां चलाई। अपने आप को घिरता देख आतंकी कार को वहीं छोड़ वहां से फरार हो गए। बाद में जब सुरक्षा बलों ने कार की तलाशी ली तो उसमें से आईडी निकली। सुरक्षा बलों ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर उसे खाली करवाया और बम निष्क्रिय दस्ते को वहां बुलाया गया। जांच की तो कार में भारी मात्रा में विस्फोटक मिले। कार को उसकी जगह से हटाकर कहीं और ले जाना संभव नहीं था, इसलिए सुरक्षा बलों ने उस कार को वहीं पर नियंत्रित विस्फोट के जरिए उड़ा दिया। इस कार में इतने भारी मात्रा में विस्फोटक भरे हुए थे कि जब इसे उड़ाया गया तो आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा और बड़े धमाके की आवाज सुनी गई। माना जा रहा है कि पुलवामा में 2019 जैसी एक और आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए इस कार का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता से इसे टाल दिया गया। नंबर प्लेट पर कठुआ का नंबर, जिस वाहन में यह आईडी मिली है उस पर लगी फर्जी नंबर प्लेट पर कठुआ का नंबर लिखा हुआ है। कार पर JK08-1426 नंबर की प्लेट लगी है, जो कि कठुआ का नंबर है। यह रजिस्टर नंबर बजाज चेतक स्कूटर का है, जो कठुआ के स्थानीय निवासी के नाम पर दर्ज है। जम्मू संभाग का कठुआ इलाका सीमांत क्षेत्र है और यहां के हीरानगर इलाके को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस कार में विस्फोटकों के मिलने के पीछे किसी पाकिस्तानी साजिश का शक भी जताया जा रहा है। 14 फरवरी 2019 को हुआ था पुलवामा में आतंकी हमला। पिछले साल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के लिए हुआ था ऐसी ही कार का इस्तेमाल। सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए आतंकी हमला किया गया था। इस हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आईईडी से भरी कार को सेना के काफिले से भिड़ा दिया था।